दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरे पार्ट तक पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है, तो हम LHS लेके प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे LHS लेने पर। LHS यही वाला है, ये वाला हम लिखेंगे पूरा। tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta। अब देखिए, कल हम क्या बताए थे, यही बताए थे ना कि साइन और कॉस में नहीं दिखेगा, तो हम सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो टैन को भी हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, कॉट को भी चेंज करेंगे, सबको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए, टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके नीचे हम बाई 1 करेंगे और इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। 1 तो हम लिख सकते हैं ना किसी भी संख्या के नीचे। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे है ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे, जब हम साइन थीटा को एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा का गुणा 1 में होगा, तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 में होगा, तो ये होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस। इसको भी ऊपर वाला हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा का गुणा हम 1 में कराएंगे, तो ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का गुणा हम 1 में कराएंगे, तो ये होगा साइन थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा। अब देखिए, ये इतना पूरा बटे में है, तो हम इसको भाग में चेंज करेंगे तो संख्या ये पलट जाएंगी। ये साइन ऊपर जाएगा और ये कॉस, साइन माइनस कॉस नीचे होगा, तो ये होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे, जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये ऊपर इसका गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, तो ये होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा को ऐसे ही लिखे, तो साइन थीटा भी किसका गुणा होगा, साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये देखिए, ये ऊपर जाएगा, इसका गुणा ऊपर होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर ये कॉस में कॉस का गुणा होगा, तो यहाँ पे ये आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ये हुआ। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे, नीचे नीचे का गुणा कराएंगे, तो साइन थीटा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस कॉस थीटा ये है तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इतना आ गया। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस यहाँ हम लगाएंगे माइनस, और यहाँ से हम ये हटाएंगे, यहाँ पे प्लस ही रहने दीजिए। अगले स्टेप में करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस। अब देखिए माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा का और ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में सेम मिल रहा है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इनटू में क्या है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा बटे। अब देखिए जब हम इसका भाग देंगे इसमें, तो ये कॉस से कॉस कटेगा और ये इससे ये कटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, फिर इसका भाग देंगे इसमें, तो साइन कटेगा, पूरा ब्रैकेट में है जो वो कटेगा, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये अब हम ओपन करेंगे, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए के स्थान पे साइन है और बी के स्थान पे कॉस है, तो ये ब्रेक अब हम ओपन करेंगे ये फार्मूला, तो इसको हम अब मिटा दे रहे हैं, इसी के बराबर लेके आना है, प्रूफ करना है, तो ये होगा a माइनस b, तो a के स्थान पे साइन थीटा रखेंगे, साइन थीटा माइनस b के स्थान पे कॉस थीटा रखेंगे, कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, तो ए और बी यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो गया। अब बटे में भी है, बटे में क्या है, जितना है सब ऐसे ही हम लिखेंगे बटे में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है इनटू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों ये कटेगा और इतने की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसके
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या है, ये वन है, वन के नीचे भी ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी ये है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। तो वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसके नीचे भी लिखेंगे, तो ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों कट जाएगा, कट के कितना आएगा, वन आएगा, इसकी वैल्यू वन होगी। तो यहाँ पे देखिए वन बाई साइन थीटा और वन बाई कॉस थीटा, तो वन बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो वन बाई साइन थीटा के स्थान पे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोसेक थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा के स्थान पे सेक थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे है वन बाई कॉस थीटा, तो इसके स्थान पे हम सेक थीटा रखेंगे प्लस वन। ये जब दो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कटा, तो इसके स्थान पे हम वन लिखेंगे, और यही हमको प्रूफ करना है। चाहे वन को बाद में लिखो, चाहे वन को पहले लिखो, पहले ही लिख दो, इसमें पहले लिखा गया है तो वन को हम पहले ही लिख दे रहे हैं। तो ये होगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वन प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए, तो इसको भी प्रूफ करना है। बटे वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, तो हम एल एच एस लेके सॉल्व करते हैं, लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस लेने पर ये हो जाएगा वन प्लस सेक ए बाई सेक ए। तो पहले हम क्या करते थे, सबको हम साइन और कॉस में चेंज करते थे, तो इसको भी सेक को भी हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो ये होगा वन प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस ए, वन बाई कॉस ए पूरे के बटे सेक ए है, तो यहाँ पे भी वन बाई कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए, तो ये होगा, यहाँ पे हम बटे वन करेंगे तो इसका तिरछा गुणा कराएंगे, तो ये होगा कॉस ए, कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए तो रहेगा ही, और पूरे के बटे वन बाई कॉस ए। अब देखिए इसका गुणा ऊपर कराएंगे और वन का गुणा कॉस ए में कराएंगे, तो ये होगा कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये कॉस ए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगाएंगे और कॉस ए लिखेंगे बाई वन, तो ये कॉस ए से कॉस ए कटेगा, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस वन बचा, लेकिन यहाँ पे क्या लेके आना है, वन माइनस कॉस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते
सकते हैं वन प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस वन है तो इसको हम वन को पहले भी तो लिख सकते हैं, तो वही तो ये है वन प्लस कॉस ए, यही बचा है। अब देखिए नीचे हमको वन माइनस कॉस ए लेके आना है, तो ऊपर यहाँ पे हम वन लिख सकते हैं ना, तो अंश और हर में इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कराएंगे, तो वन माइनस कॉस ए बटे वन माइनस कॉस ए। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा, तो ये क्या है, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। तो जब हम ये लिखेंगे ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है कॉस ए है, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे बटे वन का गुणा इसमें कराएंगे, तो हमको यही सब मिलेगा वन माइनस कॉस ए। तो ये क्या है वन स्क्वायर, वन स्क्वायर का तो कोई मतलब है नहीं है, वन का गुणा वन में कराओगे तो वन ही आएगा, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा सकते हैं, तो ये अब आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ये आया कहाँ से, तो कल हम लोग सूत्र पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हम कॉस को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इतने के स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे बटे वन माइनस कॉस ए, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया, एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा है सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको भी प्रूफ करना है, और सर्व समीका दिया है, पांचवा पार्ट है, दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो बाएं पक्ष को लेके हम हल करेंगे, दाएं पक्ष के बराबर लाना है, तो लिखेंगे एल एच एस लेने पर, एल एच एस लेने पर, एल एच एस क्या है ये है, तो लिखेंगे इसको हम कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम कॉट बनाएंगे, तो कॉट कब आएगा जब कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा, तो कॉट आएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा से सब में भाग कर दें, जब साइन थीटा से इसमें भाग करेंगे तो कॉस बाई साइन यानी कि कॉट मिलेगा हमको, तो दोनों में हम अंश और हर में साइन ए से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, सभी पदों में भाग दिया जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तो माइनस साइन ए
बटे साइन ए प्लस वन बाई साइन ए पूरे के बटे, इसमें भी साइन ए से भाग देना है तभी तो काट ए आएगा, तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस वन बाई साइन ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए बाई साइन ए है, तो इसके स्थान पे हम काट ए लिख सकते हैं, तो लिखेंगे काट ए माइनस, यहाँ पे देखिए साइन ए है बटे साइन ए है, तो दोनों कट जाएगा, कट के कितना आएगा वन आएगा, तो काट ए माइनस वन प्लस वन बाई साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम कोसेक ए लिखेंगे बटे ये हो जाए, ये भी देखिए कॉस ए बटे साइन ए है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए प्लस साइन ए से साइन ए कटेगा तो वन मिलेगा माइनस वन बाई साइन ए कोसेक ए के बराबर होता है। अब देखिए कॉट ए और कोसेक ए को हम एक साथ लिखेंगे, कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ लिखेंगे तो ये होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए और ये माइनस वन है बटे, यहाँ पे भी हम कोसेक और कॉट को एक साथ लिखेंगे तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, यहाँ पे देखिए वन है यहाँ भी वन है, तो वन के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, वन के स्थान पे हम इतनी चीजें लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, तो ये एक फार्मूला होता है वन प्लस कॉट ए इक्वल टू कोसेक, यहाँ पे देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो जब हम कॉट ए को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, वन तो यही रहेगा, वन तो यही रहेगा बराबर के इधर ही, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस, कॉट ए को जब हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो वन के स्थान पे हम इतनी चीजें लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, वन के स्थान पे लिख रहे हैं इसको बटे, और ये जैसे है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे बटे में, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। तो अब देखिए ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिखेंगे ये ऐसे ही लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे कोसेक है बी के स्थान पे कॉट है, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए पूरे के बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन मिल रहा है, कॉट ए कोसेक ए कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन लेंगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ पे कितना बचेगा जब इसको हम पूरे को बाहर ले लिए तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा वन बचा, तो इसके स्थान पे हम वन लिखेंगे माइनस
माइनस यहाँ से भी इसको हम कॉमन ले लिए तो ये क्या बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस जब हम ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस में होगा, कोसे के माइनस में होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस कोसे के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस कोसे ए। अब देखिए ये पूरी सब चीजें सेम मिल रहा है ना, कॉट ए माइनस कोसे के प्लस वन, कॉट ए माइनस कोसे के प्लस वन, तो ये पूरा हम काटेंगे सब, बचेगा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो कि यही हमको प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूफ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, तो इसको भी प्रूफ करना है। अंडर रूट क्वेश्चन छठवा है, पांचवे का छठवा पार्ट है, वन प्लस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए अंडर रूट इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, तो इसमें हम एल एच एस लेके सॉल्व करेंगे, ये साइन ए है साइन ए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एच एस लेने पर, एल एच एस क्या है वन प्लस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए पूरे पे अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे वन प्लस साइन ए है, यहाँ पे वन माइनस साइन ए है, तो इसके हम विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे गुणे वन प्लस, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह से गुणा कराएंगे, तो वन प्लस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए, अंश और हर दोनों में हम प्लस साइन से गुणा करा दिए। अब देखिए पूरे पे ये अंडर रूट रहेगा, ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे, नीचे नीचे का गुणा कराएंगे, तो ऊपर क्या है वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, यानी कि ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो इसके स्थान पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए ए के स्थान पे कितना है एक है, एक का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी के स्थान पे क्या है साइन ए है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो वन स्क्वायर को तो हम वन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे रूट है तो रूट लगाएंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर है, इसके स्थान पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिखेंगे वन माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए पूरे पे अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं स्क्वायर, तो वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए पूरे
का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट। तो यहाँ से देखिए वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो क्या बचा, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बाई, वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए वन के नीचे भी कॉस है और साइन के नीचे भी कॉस है तो इसको हम अलग करेंगे, तो वन बाई कॉस ए प्लस, यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाए, तो साइन ए बाई, साइन के नीचे भी तो कॉस है तो साइन के नीचे भी तो कॉस लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बटे कॉस ए। अब देखिए वन बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम सेक ए लिखेंगे प्लस साइन ए बाई कॉस ए। साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है, टेन होता है तो प्लस टेन ए, और यही तो प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए, तो ये प्रूफ हो गया। एल एच एस इक्वल टू